हेलो व्यूअर्स, आई एम अर्पिता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जायका फ्यूजन। आज मैंने आपके लिए मटन करी बनाई है बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है और सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी। 1.5 किलो मटन के लिए मुझे 3 टेबलस्पून पिसा हुआ जिंजर चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने जिंजर लिया है। और ये 1.5 चाय का चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया, ये 2 बड़ी सिनेमन स्टिक हैं, ये 10 लौंग, 15 काली मिर्च, 6 छोटी इलायची, ये 2 जायफल के टुकड़े हैं, और ये मैंने 4 लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च लिया है। इन सबका एक पेस्ट बना लूंगी। वैसे तो आप पाउडर मसालों से भी बना सकते हैं, तो लेकिन इस तरह से अगर आप मसाला पीस के चिकन या मटन बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक आता है, डिफरेंट आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। ये मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के ये जितना बाकी पेस्ट था मैं ले लूंगी। मैंने लहसुन को पीसा नहीं है, ये मुझे 2 टेबलस्पून भर के बिल्कुल इसका क्रश किया हुआ लहसुन चाहिए, गार्लिक चाहिए। तो मैं गार्लिक का कभी पेस्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसकी पेस्ट बनाने से एक अजीब सी एक स्मेल होती है जो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो क्रश करके ही मैं हमेशा गार्लिक को चिकन मटन में डालने की कोशिश करती हूँ, तो इसको मैं क्रश कर लूँगी। मुझे 3 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प चाहिए, तो इसके लिए मैंने पकी हुई इमली को भिगो दिया है पानी में। पहले भी मैंने रेसिपी दिखाई है इमली के पल्प से चिकन करी, चिकन आलू करी, तो बहुत टेस्टी बनती है, आप बना के देखिएगा। तो मैं इसका पल्प पहले निकाल लूंगी इस तरह से। अब इस पिसे हुए मसाले में 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर मिला दूंगी। ये पूरा इमली का पल्प जाएगा। 2 टीस्पून जाएगा नमक, 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 मुट्ठी प्याज, अब इस सारे मसाले को अच्छे से मटन पर लगा देना है, मतलब मैरिनेट करना है। अब ये सारा मसाला मैं मटन में लगा लूंगी। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ढककर। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि मटन की क्वांटिटी जरा ज्यादा है, तो इसमें मैंने बहुत सारा सरसों का तेल लिया है, करीब 4 टेबलस्पून। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मुझे ऐसा लगता है कि मटन बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। और मैंने ये आलू के पीसेस लिए हैं, इन पर मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक लगा दिया है। अब मैं बिल्कुल इनको लाल करके फ्राई कर लूंगी। सारे आलू के पीसेस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए मैंने जैसे बताया था एक लाल कोटिंग आएगी, ये बिल्कुल लाल हो गए हैं। बस
इस स्टेज पर मैं इन्हें निकाल लूंगी। आलू फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जितना तेल था उसी में मटन बन जाएगा, तो तेल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको काट के मैंने रखा है। अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगी, ये 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, और जो लहसुन मैंने क्रश करके रखा था वो पूरा डाल देंगे। बस लहसुन डालने के साथ ही साथ अब ये सारा प्याज इसमें जाएगा। प्याज को करीब हमें 2 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। मैंने 1 घंटे बाद मटन को फ्रिज से निकाल लिया है। आज मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, ग्रेवी वाला मटन। तो अगर आपको इसे कढ़ाई में बनाना है तो ये मैरिनेशन कम से कम 5 से 6 घंटे होगा। आप अगर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे, मैरिनेशन में जितना टाइम देंगे, मटन उतनी अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें मटन ऐड कर दूंगी। देखिए कढ़ाई में मटन को डालने के साथ ही इसने अपना काफी पानी छोड़ा है, तो हमें इसको पूरे को ड्राई करना है भूनते हुए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चीनी मिलाएंगे, और ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के रखे हैं, ये पूरा इसमें जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसे ढक दूंगी और 7 मिनट करीब हमें वेट करना है। फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए। मैंने ढक्कन हटा दिया है, अभी भी इसमें काफी सारा पानी है, तो इस पूरे पानी को ड्राई करना है। कुकर में देने से पहले पूरा पानी ड्राई कर लेना है और तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, मतलब तेल अलग से दिखने ना लगे। अब मैं इस स्टेज पर इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून नमक मिला दूंगी। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब 5 मिनट के लिए इसे और ढक देना है। मैंने ढक्कन हटा लिया है, देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है और ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब बस मैंने आपको बताया कि मैं कुकर में बनाऊंगी, अब मैं इस मटन को कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी। कुकर में ट्रांसफर करने से पहले मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, तो मैंने ये गर्म पानी करके रखा है। अब मैं धीरे धीरे इसमें मिला दूंगी। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी हो आप पानी अपने हिसाब से मिलाइए। और इस स्टेज पर अब नमक मिर्च थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। मैंने मटन को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है, मैंने ये इतनी ग्रेवी रखी है।
आपको जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी हो आप पानी उसी हिसाब से मिलाइएगा। अब मैं इसे दो सीटी आने तक कुक कर लूँगी। जब कुकर में दो सीटी आ जाएंगी तब कुकर को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद कुकर को खोल के फिर उसमें आलू मिलाएंगे। अगर पहले से ही आलू मिला देंगे तो बिल्कुल आलू गल जाएंगे, तो जिससे आलू भी बिल्कुल एकदम साबुत रहे, क्योंकि आलू हमने पहले ही फ्राई कर लिए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आलू को बॉयल नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं दो सीटी लगा लूँगी। दो सीटी लगाने के बाद हम कुकर को खोलेंगे, खोलने के बाद हम आलू मिलाएंगे और फिर दो सीटी लगा लेंगे। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है। अब चलिए सीटी लगा लेते हैं। मैंने कुकर को खोल लिया है, ये करीब 80% कुक हो गया है। अब बस मैं इसमें आलू के सारे पीसेस ऐड कर दूंगी और करके मुझे बस दो सीटी और लगा लेनी है। कुकर ठंडा हो गया है, अब मैं इसे खोल लूंगी। मैंने इसे ओवन से उतार लिया था, अब मैं फिर से इसे ओवन पे रख दूंगी। अब इसमें 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने मिला दिया है, फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम मटन के पीसेस को थोड़ा सा चेक कर लेंगे। वैसे तो सीटी हो गई है, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए गल गया है बिल्कुल। और आलू भी बॉयल हो गए हैं। देखिए बिल्कुल आलू बॉयल हो गए हैं। बस ये बिल्कुल रेडी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं।